हेलो जी नमस्ते सतलम आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे और आज मैं रीडिंग करूंगी पिका कार्ड व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ इन लव एंड कैरियर ठीक है और ये आपके दोनों टॉपिक्स पे यहाँ पे डिस्कस करेगा कि लव में और कैरियर में, में आपकी लाइफ में क्या नेक्स्ट होने वाला है ठीक है आपका चाहे जो भी सामान है ये कलेक्टिव रीडिंग है पिक का कार्ड रीडिंग है ठीक है आई एम डेफिनेटली गोइंग टू टॉक अबाउट कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होगा आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है कौन आ रहा है आपकी लाइफ में एक्स है या नेक्स्ट है और आपके कैरियर में क्या होने वाला क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाली हैं और क्या विशेज़ आपकी पूरी होने वाली हैं इन द डिपार्टमेंट ऑफ योर कैरियर जॉब और बिजनेस ठीक है सो so, ये आपकी लव और कैरियर की जॉब uh, हो की रीडिंग होगी कीप एन ओपन माइंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ये जनरल रीडिंग है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल ताकि जब भी इस रीडिंग पे चैनल पे रीडिंग अपलोड हो न्यू रीडिंग आप उसी वक्त देखें डोंट मिस एनी रीडिंग और एनी चांस तो आपके सामने दो कार्ड है ठीक है आई एम डेफिनेटली गोइंग टू डू द लाइफ शफलिंग Uh, live questions answers of your question option number one with this jellyfish this is a starfish sorry starfish Okay, and we also have the another fish here so choose intuitively si pile up or here option number one are two two fishes here starfish and this fish so choose intuitively and I'm going to meet you on your reading let's start the reading guys हेलो पाइल नंबर वन जिन्होंने ये स्टारफिश चूज़ की है लेट्स सी कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है लव एंड कैरियर में वी हैव अर डेप्टी तो मुझे लगता है कि आप किसी को मिलने वाले हो लव में अगर मैं बात करूं तो अचानक से ही मिलोगे आप इस ये जो पार्टनर है जो भी आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है या तो किसी की अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में जो है वो रिटर्न हो जाएगा अचानक से ही आ, आप हैरान हो जाओगे आप सरप्राइज़ भी हो जाओगे कि ये इंसान को आपकी याद कैसे आ गई और ये इंसान फिर कैसे वापस आपकी लाइफ में आ गया और कुछ लोगों के लिए सरन डैपटी का मतलब ये है कि आप किसी को मिलने वाले हो ठीक है सरन डैपटी वैसे आप मिलोगे इनको मतलब ऐसे ही जो आपकी विश आप काफ़ी अर्से से प्रे कर रहे थे और अचानक से ही आपकी लाइफ में फेरीज़ यूनिवर्स और एंजल्स जो है वो आपकी लाइफ में इस पार्टनर को ले आएंगी आपको पता भी नहीं होगा कि यहाँ इस जगह पर या इस सिचुएशन में आप ऐसे पार्टनर को मिल सकते हो तो ये अनएक्सपेक्टेड होगा ठीक है यहाँ पे मैं साइंस देख रही हूँ लियो का हो सकता है एक्वेरियस हो सकते हैं या कैप्रिकॉन हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं ठीक है नाउ लेट्स सी आप लोगों की लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है आई एम डेफिनेटली गोइंग टू यूज़ दिस एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स हमारे जो पर्सनल जो चार्ट होता है आप एस्ट्रोलॉजी का आपको पता है या नहीं पता है सो so अगर आपको पता है ऑलरेडी यू नो दैट ऑल द ट्व साइंस एंड प्लानट्स आर इन आवर चार्ट्स सो so, ठीक है ये आपकी रीडिंग uh, के बारे में ये नहीं, नहीं आपके पर्सनल चार्ट की यहाँ पे रीडिंग नहीं हो रही है सो so क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आप जो चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आएगी मैं वही चीज़ आपको बताऊँगी कि किस चीज़ पे आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो रही है और क्या चीज़ आपकी लाइफ में नेक्स्ट होने वाली है आप में से कुछ लोग नेक्स्ट ट्रैवल भी करने वाले हो किसी न किसी वजह से अगर आपको अचानक से कहीं ट्रैवल पे जाना पड़ जाता है या अचानक से आपको किसी कहीं पे विजिट करना पड़ जाता है तो वहाँ पे भी आप इस पार्टनर को मिल सकते हो ठीक है नेक्स्ट वी हैव अ लिब्रा सो लिब्रा सीज़न में ये पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है या ये लिब्रा हो सकते हैं ठीक है थीके? या आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस आने वाला है ट्वेल्थ हाउस सो जैसे मैंने कहा आप इनको ओके ट्वेल्थ हाउस दिस इज़ अ पाइसिस कार्ड तो आप पाइसिस और लिब्रा का कपल भी हो सकते हो ठीक है या आपकी लाइफ में ये एंटर आने वाले हैं लिब्रा सीज़न में आ सकते हैं या पाइसिस के सीज़न में ये आपके लाइफ में एंटर होंगे नंबर ट्वेल्व बहुत इंपॉर्टेंट होगा उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है ठीक है और नंबर नाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए या टेन नंबर टेन और ट्वेल्व बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है इन मंथ्स को आ, उनका लाइफ पाथ नंबर वन और टू भी हो सकता है या और थ्री बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है यहाँ पर तो ये थ्री टू प्लस वन थ्री इज यूनियन आपको पता है ठीक है ट्वेल्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस है डेफ़िनेटली यहाँ पे सरेंडर करने के लिए आपको बोला जा रहा है तो आप जितना सरेंडर करोगे ये सब कुछ डिवाइन के हाथों में है आपके हाथ में कुछ भी नहीं है कंट्रोल में नहीं है तो कुछ लोगों के लिए आपकी जॉब जहाँ पे मुझे नज़र आ रही है कि आप किसी लॉ या एजुकेशन या जजमेंट लॉ ऑफ जजमेंट या किसी तरह की मैनेजमेंट वाली जॉब में जाने वाले हो लेकिन आप किसी हॉस्पिटल में या किसी क्राइम कंट्रोल में या क्रिमिनल में या किसी पुलिस में या प्रिजन वाली जॉब में भी आप जा सकते हो अगर आप लड़के हो तो लड़कियाँ भी कर रही हैं आजकल नो नो डाउट लेकिन मेडिकल फील्ड मुझे यहाँ पे नजर आ रही है स्पेशली इन अ हॉस्पिटल किसी तरह की जॉब आपको मिल सकती है आपको कोर्ट uh, हाउस में कोई जॉब मिल सकती है लाइक एज अ लॉयर जज आप या किसी भी किसी तरह के भी असिस्टेंट्स या इस तरह की जॉब तो वो वाली जॉब मुझे यहाँ पे नजर आ रही है और टीचिंग की जॉब भी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है जो आप लिंक के लिए बहुत बेनिफिट होगी ठीक है और मुझे कुछ लोगों के लिए जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो फ्रॉम ट्वेल्व मंथ्स या ट्वेल्व वीक्स या ट्वेल्व डेज के अंदर ही आपको ये जॉब की ऑफर मिलेगी लेकिन ज़्यादातर मुझे लोगों के लिए लिब्रा और पायसी सीजन में आपको ये जॉब और ये पार्टनर आपकी लाइफ में होता हुआ नजर आ रहा है और अब मैं बात करूँगी आपके पार्टनर की आपके पार्टनर इस फील्ड से हो सकते हैं अगर आपके ये फील्ड नहीं है तो आपके पार्टनर इन फील्ड से हो सकते हैं ठीक है ना सी uh, मजीद आप लोगों की लाइफ में क्या होने वाला है वॉट इज़ नेक्स्ट कमिंग नेक्स्ट इन लव एंड रोमांस एंड कैरियर वी हैव एट ऑफ वॉन्ट्स या अगर आपकी लाइफ में कोई डिले था आपकी लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी तो वीद एट ऑफ वॉन्ट्स अब आपकी लाइफ में जो है अचानक से ही आपकी लाइफ जो है वो ट्रैक पे आ जाएगी आपकी लाइफ में से आपके का सारे काम जो बिगड़े हुए काम है वो सीधे होने लग जाएंगे जॉब नहीं मिल रही थी तो जॉब मिल जाएगी लेकिन फिर एक बात आ जाती है मैं कहूँगी यहाँ पे सरेंडर करना यहाँ पे ज़रूरी है जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसको जितना कंट्रोल करने की कोशिश करोगे कभी भी वो लोग कामयाब नहीं होते और हो, ना ही उनको वो चीज़ें मिलती हैं ठीक है बोलने से या फ्रस्टेट होने से या एंग्री होने से या ये कहने से कि मुझे ये चीज़ नहीं मिलती है या मुझे नहीं मिलेगी क्योंकि आप ये चीज़ें पहले ऑलरेडी से बोल रहे हो तो वो वो चीज़ें आपको वही चीज़ें नजर आएंगे तो अपने आप को इस मेंटालिटी से निकालिए विद लिब्रा कार्ड बी आइडियलिस्टिक ओके लॉजिकल होने की कोशिश कीजिए और अपनी लाइफ को बैलेंस में रखने की कोशिश कीजिए माइंड और हार्ट को तो जितना आप बैलेंस में रहेंगे उतना आप लोगों के लिए सरप्राइजेज आएंगे गॉड की तरफ से अचानक से ही आपकी लाइफ में ये चेंजेस आएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कहां से ये सब कुछ कैसे हो रहा है वी हैवे अ टावर या अनएक्सपेक्टेड मैंने जैसे कहा आप एरीज या स्कॉर्पियो हो सकते हो या एरोवॉन्स uh, आप फायर साइन हो सकते हो और ये वाले साइन जो मैंने बोले हैं अनएक्सपेक्टेड होगा आपकी लाइफ में जो भी होगा अनएक्सपेक्टेड होगा ठीक है और अचानक से ही होगा और आपके लिए सरप्राइज होंगे विद अ टावर कार्ड आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब करने वाले हो ठीक है आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट होने वाली है क्योंकि हो सकता है अगर आपकी जॉब नहीं थी तो अब जॉब मिलेगी और कुछ लोग कुछ एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब करने वाले हैं मे बी चेंज इन कैरियर भी हो सकता है आपका ठीक है और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है जिस इंसान से आपका ब्रेकअप हुआ था वो इंसान आपसे बात करेगा उस इंसान के साथ आपकी वो अचानक से इंसान आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा या लट्सी कि मजीद यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास है हाई प्रिस्टिस वी हैव हेरोफेंट एंड वी हैव द वर्ल्ड कार्ड लुक वट दिस ऑल मेजर अड़काना इन योर रीडिंग सो बहुत कुछ चेंज uh, होने वाला आपकी है आपकी लाइफ में एंड दिस इज़ ह्यूज क्योंकि यहाँ पे मेजर अड़काना है सो so, बहुत ज़्यादा ह्यूज चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाली हैं आपकी लाइफ टोटली डिफरेंट होगी आप नेक्स्ट ईयर में जब होगे तो आपको लगेगा कि ये पिछले साल में हुआ क्या था तो बहुत सारी चेंजेस शायद आपकी लाइफ में ऑलरेडी भी हो रही हैं ठीक है इंप्रूवमेंट हो रही है आपकी लाइफ में तो आपकी लाइफ पहले सी पहली जैसी नहीं रहेगी अगर आप सिंगल हो विद हाई प्रिस्टिस लड़की हो या लड़का दज नॉट मैटर अगर आप सिंगल हो तो हो सकता है आप टेकन हो जाओ आपकी रिलेशनशिप में आप चले जाओ लेकिन यहाँ पर शादी नजर आ रही है विद हेरोड ट्रेडिशनल मैरिज आपकी हो जाएगी ठीक है विद व वर्ल्ड कार्ड आल्सो uh, आप सिंगल नहीं रहोगे तो आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी आपकी वर्ल्ड पूरी चेंज हो जाएगी अचानक से भी किसी का हो सकता है अचानक से ही आपको आपका रिश्ता तय हो जाए अचानक से ही आपकी शादी तय हो जाए अचानक से ही आपकी इंगेजमेंट हो जाए ये कोई को, हमें नहीं पता है नेक्स्ट डे क्योंकि हमें नहीं पता है कि भगवान या गॉड या अल्लाह जो है हमारे लिए क्या प्लान है सो दिस इज़ अ प्लान फ्राम द हाइस्ट डिवाइन विद द हाई प्रिस्टिस एंड द हेरोफेंट ये डिवाइन का प्लान है ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है ये ऊपर वाले की मर्ज़ी से हो रहा है ऊपर वाले की ये जो भी आपकी लाइफ में आप चेंजेस होने वाले हैं नेक्स्ट ये डेस्टिनी आप इसको कह सकते हो या विद द सैरन डेप्टी डेफिनेटली इट्स अ डेस्टिनी और ये ऊपर वाले का प्लान है ये आपके इसमें कंट्रोल नहीं है ये जो चीज़ भी आपकी लाइफ में होने वाली है नेक्स्ट आपकी लाइफ में विद द वर्ल्ड कार्ड आपकी लाइफ डेफिनेटली टोटली चेंज होने वाली है आप में से काफी सारे लोग अगर स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल uh, कम्युनिटी uh, से हो या आप किसी तरह भी स्पिरिचुअल कोई वर्क कर रहे हो या टीचिंग कर रहे हो या किसी तरह भी किसी सर्विस में हो किसी तरह की चैरिटी में हो एन में हो ऑर्गेनाइजेशंस में हो तो आप डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंज होने वाली है मुझे लग रहा है यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होने वाली है आपकी लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होने वाली हैं आप किसी तरह का कंप्लीट भी करोगे टास्क अगर आपकी आ, एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि आप में से लग रहा है मुझे काफ़ी सारे लोग आपकी एजुकेशन कंप्लीट होगी और एजुकेशन कंप्लीट होते ही आपको फ़ौरन अब जॉब मिलने वाली है यू विल बी लकी क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप में से काफी सारे लोग लकी लकी रहने वाले हो किसी ना किसी सिचुएशन में और अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहाँ पे भी आप सिलेक्ट हो जाते हो ठीक है आपको किसी के साथ मौका भी मिलेगा ठीक है काम करने का या बात करने का या किसी ऐसे मैंटोर के साथ जो गुरु हैं जो ठीक है इस तरह जो भी आपकी फील्ड है जो आपके गुरु हैं उनके साथ या आपके मैंटोर हैं आपके सीनियर्स हैं आपके टीचर्स हैं उनके साथ आपको प्रोजेक्ट करने का या आपको उनके साथ वर्क करने का भी मौका मिलेगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आप आपके लिए सक्सेस है ये आपके लिए एक किस्म की पब्लिक रिकॉग्निशन है आपके लिए एक रिवार्ड है जो आपको मिलने वाला है ठीक है आप किसी तरह की पोजिशन भी ले सकते हो अगर आपने आ, वो किया है तो एग्ज़ाम्स दिए हैं तो ठीक है आपको किसी तरह की पोजिशन भी मिल सकती है मतलब आप किसी तरह की बोर्ड में या किसी तरह की आ, अपने स्कूल में या अपनी क्लास में आपको कोई पोजीशन भी मिल सकती है जिसकी वजह से यू विल फील प्राउड ओके यू विल फील प्राउड ना लेट सी मजीद आप लोगों की लाइफ में क्या होने वाला है वी हैव द फुल कार्ड सो यह आपकी लाइफ में डेफिटली न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है और अगर मैं रोमांस की बात करूँ तो ये आपका स्परिचुलल कनेक्शन है जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ था अगर ये आपका सोममेट या आपका ट्विन फिल्म है ठीक है तो आप उनके साथ यूनियन में आने वाले हो क्योंकि स्परिचुल कनेक्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है और आप एक डेफिनेटली एक न्यू साइकिल में इनके साथ जाने वाले हो अगर आपका पहले ब्रेकअप हो चुका था या सेप्रेशन है या कॉन्टैक्ट नहीं है तो मुझे विद द फुल कार्ड आपकी डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस होती हुई नज़र आ रही है आप लोगों की लाइफ में न्यू बर्थ होती हुई नज़र आ रही है ठीक है और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए मुझे प्रेगनेंसी भी यहाँ पे नजर आ रही है अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी हो सकती है आपकी अचानक से ठीक है आपकी लाइफ में और जो लोग सिंगल हैं उनकी तो मुझे यहाँ शादी भी होती है, नज़र आ रही है अचानक से आपका रिश्ता तय होगा प्लीज़ डोंट वरी अगर आप वरी आप बहुत परेशान हो अपने रिश्ते को लेके शादी को लेके प्लीज़ परेशान ही होना क्योंकि ट्वेल्थ हाउस यहाँ पर सरेंडर करने को बोल रहा है जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है जो चीज़ें ऊपर वाला करता है वो आपके कंट्रोल में नहीं है आप सिर्फ़ प्रे कर सकते हो क्योंकि ये चीज़ें ऊपर वाले का हाथ है और ये डेफ़िनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है एक दफ़ा जब आप सरेंडर कर दोगे और उस चीज़ से टेंशन फ्री हो जाओगे ठीक है कि ये चीज़ें तो मेरे बस की नहीं है ठीक है क्योंकि आप तो नहीं जाओगे अपना पार्टनर ढूंढ के लाओगे तो आपको अगर कोई पसंद भी है तो आपको वेट करना है क्योंकि ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है अगर वो आपकी डेस्टिनी में है तो यूनिवर्स और गॉड वो ऊपर वाला लेके आएगा आपकी आपकी तरफ उसे ठीक है तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र होती हुई आ, आ रही हैं ऊपर वाले का हाथ है इस वाली रीडिंग में और आप लोगों के सारे कामों में दुनिया के और सबकी ज़िंदगी में ये ऊपर वाले का ही हाथ होता है ऊपर वाले का ही काम होता है वी हैव अ इनर वॉइस या मुझे लगता है कि आपको अपने इनर वॉइस सुनने की जरूरत है यहाँ पर फिर मून आ रहा है यहाँ पे मून है यहाँ पे भी मून है आप देख सकते हो हाई प्रिस्टिस दोनों दफ़ा आया कार्ड में तो काफ़ी स्पिरिचुअल पा पायल है ये काफ़ी स्पिरिचुअल आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो ऐसा इलेवन इलेवन तो ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है या आप बहुत जल्द इनको मिलने वाले हो अनएक्सपेक्टेड से तरीके से अगर आप सिंगल हो तो तो आपकी शादी अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से भी हो सकती है आ, या उनके साथ आपकी यूनियन होने वाली है और आप में से काफ़ी सारे लोग एक स्पिरिचुअल पाथ पे एक स्पिरिचुअल जर्नी पे आप आप हो और आप बहुत सारी चीज़ें अचीव करोगे स्पिरिचुअल जर्नी से या आपका जो भी कनेक्शन है वो ऊपर वाले से बहुत हाई है तो आपको ऐसी फील्ड में जाना चाहिए जो आपको स्पिरिचुअलिटी से मेडिकल फील्ड से लोगों की सर्विस करने से लोगों की हेल्प करने से लोगों को गाइड करने से लोगों को टीच करने से आपको ये चीज़ें जो है वो सक्सेस देंगी वी हैव द बर्डन या आप में से काफ़ी सारे लोग आपका जो बर्डन है आप उसको रिलीज़ करोगे आपकी लाइफ में से जो बर्डन है वो रिलीज़ होने वाले हैं टेंशन रिलीज़ होने वाली है बर्डन रिलीज़ होने वाले हैं है, जो रिलेशनशिप आपके लिए ठीक नहीं है वो भी रिलीज़ होने वाले हैं ठीक है now let's see ना लेट सी वाट्स नेक्स्ट एंड done for this pile आपको ऑलरेडी पता है अगर आप इंट्यूटिव हो तो आपको ऑलरेडी पता है कौन आपकी लाइफ में आ रहा है आप शायद उनको ऑलरेडी जानते हो जस्ट डेफिनेटली पास वाला पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपका ब्रेकअप है या इस वक्त आप उससे बात नहीं कर रहे हो और आपको बर्डन है कि ये ला, कुछ लोगों को आपको कोई आइडिया नहीं है कि ये इंसान आपको लाइक भी करता है या नहीं क्योंकि उन्होंने शायद कभी बोला नहीं है और शायद अचानक से ही वो अब आपको आके अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर देंगे और कुछ लोगों के लिए अचानक से ही रिश्ते की रिश्ते की तैयारी हो जाएगी मतलब अनएक्सपेक्टेड आपने कोई प्लान भी नहीं किया होगा और आपकी अचानक से शादी आपकी इंगेजमेंट या आपका रिश्ता आ जाएगा और आपका तय हो जाएगा लेकिन क्या करना है सिर्फ आपने बिलीव करना है वी हैव द बाउंड्रीज या आप में से काफ़ी सारे लोगों को बाउंड्रीज बना के रखनी है उन चीज़ों से और उन लोगों से जो आपके लिए हेल्दी नहीं है ठीक है और सरेंडर कीजिए देखो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है अपने आप को कैसे सरेंडर करना है वी हैव अ कम्पेशन या आप लोगों की लाइफ में डेफिनेटली लव आने वाला है बी कम्पैशनेट विद योर सेल्फ एंड विद अदर्स जितना आप लव बांटोगे उतना लव आपके पास आएगा दिस इज वट द कर्मा इज़ एंड स्पिरिट गाइड मुझे लगता है आपके स्पिरिट गाइड्स आपको डेफिनेटली हेल्प कर रहे हैं आपको गाइड कर रहे हैं कि इस वक्त आपको क्या करना चाहिए एंड वी आल्सो हे गुड लक या आप लोगों की लाइफ में डेफिनेटली गुड लक आ रही है और आप हो सकता है बहुत ज़्यादा कैट्स आप या तो इस तरह के कोई ड्रीम्स देख रहे हो कैट्स के बारे में या कुछ इस तरह के एक्सीडेंटल ड्रीम्स आप देख रहे हो अचानक से ही आपकी विविड ड्रीम्स हैं जो शायद आपको डरावने लग रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है तो आप बहुत ही या या तो ये तो तो आपकी यिचुल अवेकनिंग हो रही है या आपको आपके ड्रीम्स के अंदर आपको गाइड किया जा रहा है स्पिरिट गाइड आपको गाइड करें कि आपको किस रास्ते पर जाना चाहिए और क्या करना चाहिए वो आपके लिए ठीक है और डेफिनेटली इस पाइल के लिए काफ़ी ज़्यादा गुड लक मुझे नज़र आ रही है इन डिफरेंट एरियाज़ आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं अब लास्ट में रोमेंट रोमांस देख लूँ या आप लकी साबित होगे अपने लिए भी आपकी लाइफ में गुड लक आने वाली है इन योर कैरियर इन योर जॉब और बहुत सारी फील्ड में यू डिजर्व लव या आप में से काफी सारे लोग आप शायद सिंगल रहे हो काफी अरसे से या आपने अगर किसी के साथ ब्रेकअप किया था तो डेफिनेटली अब आपको उस पेन के बदले में उस ब्रेकअप के बदले में भी लव मिल सकता है वी हैव अ को डिपेंडेंसी या आपको डेफिनेटली रिलेशनशिप में को डिपेंडेंसी पर काम करने की जरूरत है ज़्यादा क्लिंगी मत हुई है रिलेशनशिप्स पे जितना आप रिलेशनशिप्स के बारे में सोचोगे उतना ही रिलेशनशिप आपसे दूर होता जाएगा आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये इसी तरह से हम मैनिफेस्ट करते हैं आप जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा क्लिंगी होते हो उसको उसी के बारे चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हो उस पार्टनर के बारे में उस चीज़ के बारे में वो आपको नहीं मिलती है क्योंकि आपको सरेंडर करने को बोला जा रहा है वो चीज़ आपको उसी वक्त मिलेगी जब आप आपको एक किस्म का ऊपर वाले पे यकीन होगा कि ओके मुझे यकीन है कि ये चीज़ मुझे मिलेगी एंड एम आई विल डेफिनेटली बी होपफुल एंड प्रे उस चीज़ पे क्लिंगी मत हो जाओ उस चीज़ के साथ ऑबसेस्ड मत हो जाओ कि ये चीज़ मुझे चाहिए और अभी चाहिए अगर यूं होगा तो फिर फिर डेफिनेटली यूनिवर्स भी आपको बोलेगी और स्पिरिट भी आपसे बोलेंगे ले ले फिर ठीक है ना ये चीज़ ऐसे नहीं मिलेगी आपको डेफिनेटली सरेंडर करना सीखना होगा बहुत सारी चीज़ों से हमें गुजरना पड़ता है हर किसी की लाइफ जो है वो पॉजिटिव नहीं होती और अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ के साथ कंपेयर मत कीजिए क्योंकि आपको नहीं पता लोग बहुत ही आजकल लोग इस चीज़ में मास्टर हो चुके हैं कि वो दुनिया के सामने कुछ और दिखाते हैं लेकिन अंदर कुछ और होते हैं ठीक है तो आपको नहीं पता कि किसी की लाइफ में कितनी स्ट्रगल है कौन कितनी स्ट्रगल से आया है किसकी लाइफ में क्या चल रहा है किसकी लाइफ कितनी डिस्ट्रक्टिव है कोई कितना इमोशनली मेंटली कितना डिससेटिस्फाइड है लाइफ में लेकिन ऊपर वो आपको हंसता हुआ नजर आएगा ऊपर आपको वो ऐसे लगेगा कि उसकी लाइफ बिल्कुल ठीक है तो प्लीज़ इसलिए जाता है कि अपनी लाइफ को कंपेयर मत करो किसी के साथ जो वो ऊपर दिखा रहे हैं तो अगर आपको कोई पेन या सफरिंग है तो उस चीज को निकलने की कोशिश करो कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा आगे ठीक है बल्कि वो खुश होंगे अगर आप लोगों को किसी को बताओगे स्पेशली योर एनिमीज योर हेटर्स या जो लोग आपके इर्गिर्द हैं वो डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत कह देंगे ओके रिलैक्स काम डाउन ठीक हो जाएगा सब कुछ यही कर सकते हैं ना यही कह सकते हैं आपको तो आपने क्या करना है अपने आपको इस एनर्जी से खुद निकालना है आपको खुद अपने कनेक्ट करना है स्पिरिट के साथ गॉड के साथ आपका जो भी रिलीजन है जो भी कल्चर है और जिस तरह आप प्रे करते हो जिस तरह आप प्रैक्टिस करते हो उन चीज़ों को आपको कनेक्ट करना है ताकि वो लव आप अपने अंदर ढूंढो लोगों में मत ढूंढो आप किसी के साथ क्लिंगी मत हो जब आप क्लिंगी हो गए किसी के पीछे भागोगे वो इंसान उतना आपसे भागेगा वो कहेगा ये क्या मेरे मुसीबत मेरे सर गल बड़ पड़ गई है तो जितना आप अपने आप को चेरिश करोगे जितना आप कॉन्फिडेंट रहोगे जितना आप अपने आप को हील करोगे उतना लोग आपकी तरफ भागेंगे लोग कहेंगे कि ये ये इंसान ठीक है भाई ये तो अपनी धुन में रहता है ये अपना काम करता है ये इंसान मुझे चीत नहीं करेगा ये इंसान मुझे हर्ट नहीं करेगा क्योंकि इस इंसान को पता है कि रिलेशनशिप क्या है आइडिया क्या है लाइफ क्या है कॉन्फिडेंस में कैसे रहना है अपनी वर्थ अपनी वैल्यू को कैसे पता है ये बाउंड्रीज बनानी है आपने लोगों के साथ अगर आप किसी के पीछे भागते रहोगे आपकी क्या वैल्यू है क्या वैल्यू है उस इंसान की नज़र में क्या वैल्यू ये लव है स्टूप लव दिस इज़ नॉट लव आप किसी के पीछे भाग रहे हो और सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मुझे लव दे दो मेरे पास आ जाओ ये लव नहीं है यू नीड टू फाइंड दिस लव विद इन योर सेल्फ विद दिस यू डिजर्व लव आपको पता होना चाहिए कि आप लव डिज़र्व करते हो और आपको लव को चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है मत चेज़ कीजिए लव को पार्टनर्स को रोमांस को इवन आपका सोलमेट या आपका ट्विन फ्लेम भी है आप उनको चेज़ मत कीजिए उनको स्पेस दीजिए और अगर जब उनक, उनको भी क्योंकि सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होता ही यही है कि वो इंसान आपसे ऑलरेडी लव करता है लेकिन वो भागते हैं आपसे इस इस इंटेंस लव से क्योंकि वो फेस नहीं कर सकते उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है और आप उनको ये हिम्मत नहीं दे सकते आप ना उनकी मदर बन सकते हो ना आप उनकी फ़ादर बन सकते हो ना आप उनके टीचर बन सकते हो कि उनको बताओ कि ये करना है वो करना है वो खुद करेंगे हर इंसान ने अपनी लाइफ में अपना एक्सपीरियंस खुद करना है आप किसी की डेस्टनी में नहीं घुस सकते आप किसी की कबर में नहीं घुस सकते ठीक है आप किसी के पेट में नहीं घुस सकते कि उसका बच्चा बना दो उसको फिर से या उसको ये कह दो कि ये कर लो वो कर लो नो यू कान डू दिस आपको अपना काम करना है हम दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाएंगे ये समझना बहुत ज़रूरी है ये लाइफ की ये लाइफ की मिस्ट्री है ये लाइफ की मिथ है ये लाइफ का पैंतरा है ये लाइफ का मंत्रा है तो इस चीज़ को जब आप समझ लोगे ना जब आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे चाहे आप लाइफ में जितने लोगों से भी मिलो फ्रेंड्स हैं लवर्स हैं आपकी फैमिली है आपके सोलमेट्स हैं ट्विन फ्लेम्स हैं कोई आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा आपको हमेशा हर मोड़ पे, हर जगह पे आपको क्या नजर आएगा कि मैं अकेला खड़ा हूँ जब भी आपको किसी की ज़रूरत होगी वो आपके साथ नहीं होंगे सो so, इसलिए मैं हमेशा इस चैनल पे और मेरा मकसद मेरा मिशन लोगों को ये कहना है कि आप इंडिपेंडेंट बनो इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं है कि जाओ कमाओ और खाओ पियो और ये कहो कि मैं तो एक इंडिपेंडेंट हूँ नो यू हैव टू बी इमोशनली इंडिपेंडेंट किसी की लाइफ पर डिपेंडेंट मत रहो अगर आपको लगता है कि आपको लव है तो फ्री कर दो उस इंसान को लव इज़ नॉट अबाउट चेजिंग लव इज़ नॉट ऑल अबाउट लाइक हमें यूनियन चाहिए बस मरना है हमने हमने शादी करनी है बच्चे पैदा करने हैं दिस इज़ नॉट लव ठीक है लव इज़ नॉट लाइक दिस अगर आपको वाकई किसी से ट्रू लव है आप उसको छोड़ दो वो अगर आपसे लव करते हैं वो जरूर आएगा आपके लाइफ में और आपकी कदर जानेगा आपकी वर्थ आपकी वैल्यू को समझेगा और अगर नहीं करेगा तो डेफिनेटली इट्स मीन दिस पर्सन इज़ नॉट फॉर यू ठीक है तो को डिपेंडेंट नहीं होना को डिपेंडेंट का मतलब यह है कि आप किसी के साथ क्लिंगी हो रहे हो आप किसी के पास जबरदस्ती चिपके जा रहे हो और वो इंसान आपको लाइक या आपसे भाग रहा है आपसे भाग रहा है रिलेशनशिप से भाग रहा आप है आपको चीट कर रहा है लेकिन फिर भी आप मरे जा रहे हो उसके पीछे दिस इज़ नॉट लव वेक अप वेक अप बिफोर इट्स टू लेट फॉर यू क्योंकि आपको कोई नहीं आके समझाएगा कोई आपको आके नहीं बताएगा लोग तो आपको बोल देंगे हाँ ये तुम्हारी तुम्हारी यूनियन भी हो जाएगी तुम्हें लव भी मिल जाएगा नो अपने आप को इस 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 उस चीज़ में मत अपने आप को गुम कीजिए अपने ऊपर मत सोइए अपने रिलेशनशिप के ऊपर मत सोइए कि आपको समझ ना आए कि ट्रू लव क्या है आपकी वैल्यू क्या है आप लाइफ में क्या करने आए हो आपकी लव के अलावा भी इंडिपेंडेंट लाइफ है इवन तो अगर आप पार्टनरशिप में भी हो आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो अगर आप मैरिड कपल भी हो आप क्लिंगी अगर किसी पर गए आप क्योंकि हर इंसान की एक पर्सनल स्पेस होती है जब आप उस चीज़ को क्रॉस करते हो तो आपको इसका मतलब आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है और वो इंसान भी यही समझेगा कि कोई रिस्पेक्ट नहीं है अपनी कदर करवाइए अपनी रिस्पेक्ट करवाइए अपने आप को समझिए अपने अंदर झांकिए कि आपको क्या चाहिए इफ़ दिस इज़ टाइप ऑफ योर लव अगर इस तरह का लव आपको चाहिए तो डेफिनेटली ये आजकल का लव बहुत ज़्यादा मिलेगा और बहुत सारे लोगों के साथ मिलेगा ये लव आपका दो महीने में खत्म होगा एक महीने में खत्म होगा फिर आपको एक नया लव हो जाएगा किसी के साथ या उस पार्टनर को नया लव हो जाएगा दिस इज़ नॉट सो मे ट्विन फ्लेम प्लीज़ मुझे बहुत गुस्सा आता है जब लोग ये बात करते हैं कि वो किसी और को चीट कर रहा है वो किसी और से शादी कर लिया वो किसी और के साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है वो तो मुझसे प्यार करता है लेकिन अभी भी वो किसी और कैसे जब वो आपसे प्यार करता है तो वो इंसान कैसे आपको छोड़ के गया हाउ कैन यू से दैट दिस इज़ योर सोलमेट दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम हाउ कैन यू से दैट कि आप कैसे श्योर हो कह सकते हो कि वह आपका सोलमेट है सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आपका लव आपको कभी नहीं छोड़ सकता ठीक है चाहे वो किसी और के साथ भी है वो इंसान आपको एज अ फ्रेंड एज अ लवर आपको जरूर मिलता रहेगा क्योंकि उसको पता है कि आप उसके ट्रू लव हो अब मैं उन लोगों का भी नहीं कह रही कि रिलेशनशिप में चले जाओ और शादीशुदा लोगों के साथ जो लोग मैरिड हैं उनके साथ आप ये कहो कि सोन में ट्यून फ्ले में नहीं ये नहीं हो सकता वो इंसान आपको चीट भी करके चल रहा हो सकता है वो इंसान आपको हर्ट भी कर रहा हो सकता है वो इंसान आपके साथ फ्लर्ट भी कर रहा होगा जो कि आजकल का ट्रेडिशन है यहाँ पे आजकल कल्चर बन चुका है ठीक है कि शादी के बाद भी अफेयर चलते हैं लड़की के भी लड़के के भी ठीक है आजकल ये आम बात है कॉमन बात है यू कॉन्ट से दैट दिस इज सोन फ्लेम आपका सोनमेट और ट्विन फ्लेम का कनेक्शन किसी के साथ तब होता है जब आपको ये लगता है कि ये पार्टनर आपके लिए है यू फील इन योर सोल ठीक है यू फील इन योर सोल दैट दिस इज द वन सिर्फ फिजिकल बॉडी के लिए या फिजिकल कनेक्शन या फिजिकल यूनियन के लिए आप नहीं मर रहे होते आपकी सोल जानती है कि दिस इज़ द वन चाहे वो इंसान दुनिया में कहीं पे भी होगा आपकी अट्रैक्शन या आपका लव एक दूसरे के लिए कभी ख़त्म नहीं होगा एंड दिस इज़ म्यूचुअल ये कभी भी वन साइडेड नहीं हो सकता ठीक है आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे आप एक दूसरे से लव करोगे इवन तो आप कभी एक दूसरे को टच भी नहीं करोगे लेकिन लव इज़ ट्रू दिस इज़ वॉट सोल मेट एंड ट्विन फ्लेम इज़ सो प्लीज़ आजकल की ये जन्े रिलेशनशिप हैं इनको मत चूज़ कीजिए इनको मत कहिए कि ये सोलमेट ट्विन फ्लेम है ठीक है आजकल की रिलेशनशिप की बेस ही सेक्स से शुरू होती है रिलेशनशिप शुरू ही सेक्स से होता है और सेक्स पर खत्म होता है दिस इज़ नॉट अबाउट दैट ओके आईम नॉट से इंग दैट कि आपको नहीं करना चाहिए ये करना चाहिए करते जिनकी डिपेंड करता है लेकिन जहाँ पर जब सोल कनेक्शन आता है ना वहाँ पर ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं वहाँ पे ये को डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है उस इंसान की आपको तलाश नहीं होती हाँ वो मिल जाए वो आ जाए तो आपके तो आप तो सबसे ज़्यादा ये गुड लक है आपके लिए और आप लकी बन जाते हो दुनिया के सबसे लकी तरीन कपल बन जाते हो और लोग देखते हैं इस चीज़ को लेकिन जो चीज़ आपकी किस्मत में नहीं है उसके पीछे भागोगे को, को, कोई मैरिड है कोई सिंगल है उसके पीछे आप भागना या अफेयर रखना दिस इज़ नॉट गुड दिस इज़ नॉट गुड फॉर देम दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू तो इन चीजों से निकलिए थर्ड पार्टी रिलेशनशिप से निकलिए अपनी कदर जानिए अपने रिलेशनशिप को समझिए और अपने सोल को समझिए कि वो आपको क्या कहना चाह रही है ओके सो दिस इज वट कोडिपेंडेंसी इज और आजकल के रिश्तों का मतलब प्रॉब्लम ही यही है थर्ड पार्टी हर रिलेशनशिप थर्ड पार्टी में जो आपसे लव करता है वो आपको उसके लिए कोई एक्सक्यूज ही नहीं है कि वो आपको कहे कि मुझे लव नहीं है दे विल लव यू बात खत्म कोई इसमें कोई आपकी कोई कंडीशन नहीं होती है कोई कंडीशन नहीं होती इस लव में या yeah, एंगेजमेंट तो मुझे लग रहा है कि आप में से काफी सारे लोग आ, जैसे मैंने पहले बोला था इस फाइल के लिए Uh, के इंगेजमेंट uh, होने वाली है आप लोगों की अचानक से इंगेजमेंट हो सकती है शादी हो सकती है प्रपोजल भी आ सकता है जो आप लोगों को बहुत बेनिफिट देगा सो दिस इज़ योर पायल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय ये पाइल नंबर मटू जिन्होंने ये विल फिश चूज़ किया लैक्सी क्लियर द पास्ट एनर्जी ऑफ द पायल देखते हैं कि आप लोगों की लाइफ में वाट इज़ नेक्स्ट कमिंग नेक्स्ट इन योर लव एंड कैरियर वी हैव द गार्डनर सो अगर मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में सोलमेट uh, एंटर होने वाला है या आप अगर आप ऑलरेडी सोलमेट कनेक्शन में हो तो दिस इज योर डिवाइन मैस्कुलिन विद गार्डनर एनर्जी या आपके डिवाइन मैस्टोरेंट आपकी लाइफ में आने वाले हैं अगर आप लड़की हो तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली लड़का एंटर होने वाला है जो आपका सोलमेट भी हो सकता है आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है ठीक है स्पाइसिस हो सकता है आप या ये पार्टनर आपका लेकिन यहाँ पे मुझे अर्थ माइन भी नजर आ रहा है टॉरस वेगो कैप्रिकॉन ठीक है उनके सनमोर्न या राइजिंग में होगा तो मुझे लगता है आपने प्रे किया इस इंसान के लिए आपने मैनिफेस्ट किया है इस इंसान को आपने अट्रैक्ट किया है इस इंसान को और फाइनली ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है और जो लोग यहाँ पे लड़के देख रहे हैं दिस इज़ यू यू आर बिकमिंग मोर मैस्कुलन यू आर बिकमिंग मोर ग्राउंडिंग आप बहुत स्टेबल कर रहे हो अपनी लाइफ को आपका फोकस आपकी अचीवमेंट्स आपके कैरियर और आपके सक्सेस पे है अगर आप लड़के हो इस वक्त देख रहे हो तो आपके फ्यूचर पे है आप रिसेंटली रिस आप, आपने रिसेंटली कुछ स्टार्ट भी किया होगा आपने अपनी लाइफ को पॉजिटिवली चेंज करने की भी कोशिश की है तो आप बहुत पॉजिटिव चीज़ें आप अपनी लाइफ में देख रहे हो और अट्रैक्ट कर रहे हो नाउ लेट्स सी कि क्या आपकी लाइफ में होने वाला है वी हैव द कैंसर तो आप कैंसर हो सकते हो साइन आपका या आप कैंसर आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं स्पेशली अगर आप आइसिस हो या अर्थ साइन वी आल्सो हैव अ फोर्थ हाउस या स्ट्रांगली कैंसर एनर्जी है यहाँ पे Uh, तो कुछ ये पाल इमोशनल है काफ़ी तो आप लोगों की इमोशनल चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं ठीक है विद क कैंसर एनर्जी आप ख़ुद कुछ क्रिएटिव भी करते हो इमोशन से रिलेटेड हो सकता है आपका या मेंटल कन्फ्लिक मेंटल चीज़ों से आपका कोई हो सकता है आपका आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हो या क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हो ये क्रिएटिव फील्ड दुनिया की बहुत सारी क्रिएटिव फील्ड्स हैं कुछ भी हो सकता है जो आप खुद करते हो अपने लिए या आप करने वाले हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा उसमें और वी हैव द फोर्थ हाउस सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रूट्स तो आप में से काफ़ी सारे लोग फोर्थ हाउस इज़ ऑल अबाउट होम लाइफ और फैमिली लाइफ तो आपके फैमिली लाइफ अगर आप मैरिड हो तो आपकी फैमिली लाइफ में इम्प्रूवमेंट होती हुई मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे ठीक है या आपके जो आपके पार्टनर हैं उनकी लाइफ में मुझे चेंज होता हुआ नजर आ रहा है इंप्रूवमेंट इन मनी एंड चेंज इन कैरियर तो वो आपको काफ़ी बेनिफिट्स होगा आप हो सकते हैं किसी तरह की लोकेशन भी चेंज कर रहे हो यू आर बाइंग अ होम आर मे बी यू आर सेटलिंग इन अ होम या रीन्यूल हो सकता है होम होम लाइफ में आप में से काफ़ी सारे लोग घर बैठे कोई काम कर रहे हो या आप बहुत जल्द घर बैठे ही ऐसा कोई काम स्टार्ट करोगे जो घर बैठे हो सकता है मतलब कंप्यूटर पे है कोई सोशल मीडिया पे है इंटरनेट पे है वो चीज़ें आपको ज़्यादा जो है आ, आपको आ, आपके लिए लकी साबित होंगी और कुछ लोगों के लिए द फोर्थ हाउस ये आपकी आ, आपकी होम लाइफ में आपकी फ़ैमिली लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट होने वाली है चेंज आने वाला है ठीक है आ, किसी की तरफ से आपकी अगर कोई फैमिली का कोई इशू चल रहा था प्रॉब्लम चल रहा था तो वो रिजॉल्व हो जाएगा वो फैमिलीज़ आपस में एक दूसरे के साथ उस कन्फ्लिक्स को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगी स्पेशली अगर आपका कोई झगड़ा या कोई प्रॉब्लम अपनी फैमिली के साथ अपनी मदर के साथ या फादर के साथ था या सिबलिंग्स के साथ था तो वो डेफिनेटली ख़त्म होगा आप में से काफ़ी सारे लोग आ, आपको कोई जॉब भी मिलने वाली है जो आपके मैंने जैसे कहा या आप घर से खुद स्टार्ट करोगे या आपके अपने होमलैंड में जहाँ आप अपने सिटी में हो या अपने स्टेट में हो जहाँ पे भी आपका होम है वहाँ से आपको कोई जॉब मिलने वाली है वहीं उसी एरिया में आप करने वाले हो दैट्स रियली गुड यहाँ पे रूट्स की बात की जा रही है और आल्सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग आम, कुछ हो सकता है कुछ कुकिंग वगैरह कुछ ऐसा काम आप स्टार्ट करो जो आपको 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 खुश करे ही आपको हैप्पी करे क्योंकि ये आपकी आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त रेस्टिंग पी पीरियड में भी हो आप अपने आप को रेस्ट कर रहे हो हील करने की कोशिश कर रहे हो आ, आप चाहते हो कि आ, अपनी सेल्फ केयर पे आपका ज़्यादा फोकस है अपने आप को नॉरिश करने में नर्चर करने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और आप हो सकता है आपका फोकस ज़्यादातर अपनी अपनी घर वाली लाइफ पर है आप आ, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें घर में सीख रहे हो या बहुत सारी एक्टिविटीज़ घर में कर रहे हो ताकि आप अपने आप को हील कर सको स्पेशली अपने इमोशंस को रिलीज़ करने के लिए और कुछ हैबिट्स भी हो सकती हैं आप चेंज कर रहे हो हेल्दी खाना हेल्दी आ, हेल्दी काम कुछ इस तरह का करना घर में जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा ठीक है और कुछ लोगों के लिए ये प्रपोजल हो सकता है जो आ, आपके अपने ही सिटी में हो सकता है या ये, ये इंसान आपके घर आप आप दोनों की फैमिलीज एक दूसरे को जानती हैं आप दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना है ठीक है इस तरह की भी आ, कोई जॉब आप आ, मतलब आ, पार्टनर या रिलेशनशिप में आप आ सकते हो या आप फाइनली किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आओगे आप किसी के साथ मूव इन भी करोगे स्पेशली ठीक है अगर आप इस तरह के रिलेशनशिप पे बिलीव्स करते हो तो हो सकता है आप दोनों आप सेटल हो एक ही हाउस में आप मूव इन करो टुगेदर एज अ कपल अगर आप गर्ल फ्रेंड बॉय फ्रेंड हो तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है यहाँ पे वी हैवे नाइन ऑफ सोर्ड्स सो जैमिना एलिवेरियस वी हैवे पेज ऑफ काप स्पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो नाइन ऑफ वॉर्न फायर साइन वी हैवे एट ऑफ काप्स या पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो वी हैवे सिक्स ऑफ सोड्स जेमिना एलिब्रैकवेरियस और थ्री ऑफ काप्स आपका कोई पुराना दोस्त आपकी लाइफ में वापस आ सकता है स्पाइसिस कैंसर स्कॉपियो या कोई भी साइन जैसे ये मैं, मैंने बोले हैं वो आ सकते हैं आपकी लाइफ में तो ये फ्रेंड आपको छोड़ के गया था या आप दोनों के दरमियान में कोई कन्फ्लिक्ट हुआ था कोई लड़ाई हुई थी ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा इस फ्रेंड ये एक डेफिनेटली वो इंसान है जिसके साथ आपने बातचीत खत्म कर दी थी ठीक है आपने बोल खत्म कर दी थी यह आपका फ्रेंड हो सकता है विद्री ऑफ कप्स या आपका कोई फैमिली फ़्रेंड हो सकता है या आपका रिलेटिव भी हो सकता है या आपकी फैमिली में जैसे मैंने कहा आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स थे इश्यूज थे तो वो सॉल्व हो जाएंगे अब यूनियन होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है लेकिन कुछ लोगों के लिए ये आपकी यूनियन है आपके लवर के साथ ये वो इंसान है जिसको आपने छोड़ दिया या उन्होंने आपको छोड़ दिया था आप दोनों के दरम्यान में कॉन्टैक्ट नहीं था आप हो सकता था फ्रेंड्स थे फैमिली फ्रेंड्स थे आप लवर्स थे तो यहाँ पे अब यूनियन होती हुई नज़र आ रही है क्योंकि टेन ऑफ पेंटिकल्स अगेन इट्स अ फैमिली तो हो सकता है ये इंसान आपके घर प्रपोजल भेजे या अब रेडी है आपसे रिलेशनशिप कंटिन्यू करने के लिए अगर वो पास्ट में नहीं थे मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए नज़र आ रहा है आपने इस इंसान को शायद डेट कभी नहीं किया ठीक है तो अब फाइनली ये इंसान आपको डेट करने के लिए रेडी होगा विद अ पेज ऑफ कप क्योंकि ये इंसान अब अब आपसे बात करना चाहता है अब या शायद ये इंसान रेडी है आपसे बात करने के लिए रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करने के लिए क्योंकि मुझे लगता है कि आप दोनों ने कभी डेट नहीं किया और अगर किया भी था तो कभी रिलेशनशिप सही तरीके से चला नहीं फैमिलीज़ की वजह से या कोई और इश्यूज़ जब भी हमेशा आप दोनों के दरमियान में आए थे या आप दोनों की फैमिलीज़ नहीं मानती थी ठीक है अब फाइनली मुझे लगता है कि अब आप आपके हालात ठीक हो रहे हैं चेंज हो रहे हैं ये इंसान आपके पास विद इन सिक्स वीक्स या सिक्स मंथ्स आप डेफिनेटली इस इंसान के साथ या थ्री मंथ्स के अंदर अंदर आपको प्रपोजल मिलेगा और आपकी इनसे पार्टनरशिप होगी या ये आपसे बात करेंगे क्योंकि गार्डनर मैंने जैसे कहा ये वो इंसान हो सकता है जिससे आपका डिवाइन मैस्कुलन कुछ लोगों के लिए ये इंसान दूर रहता था आपसे विदा सिक्स तो वो ट्रैवल करके आपके पास आएंगे या आप ये ट्रैवल कर रहे हो ठीक है मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोगों को जॉब की टेंशन भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आपने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में और आपने हो सकता है कोई जॉब रिसेंटली छोड़ी है या आपको फाइनेंशियली कोई सपोर्ट हासिल नहीं है आपने रिसेंटली कोई आ, अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट की है ठीक है अब आप रेडी हो लाइफ को आगे करने के लिए मूव ऑन करने के लिए क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है विद द पेज ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स या आपको जॉब की ऑफर भी हो सकती है तो आपने अगर इसको रिजेक्ट कर दिया तो ये आपकी मर्जी है क्योंकि मुझे लगता है कि आप चाहते हो कि आपको अपने ही सिटी में या अपने ही जगह पे जहाँ आप रहते हो आपको जॉब मिले लेकिन यूनिवर्स आपको कह रही है कि अगर जॉब आपको बाहर वाले सिटी से आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ स्टेट भी अगर मिलती है प्रोवेंस से आगे भी मिलती है स्टेट में भी मिलती है तो प्लीज़ एक्सेप्ट दिस जॉब क्योंकि इस वक्त आपको बहुत ज़रूरत है फाइनेंशियल की या कोई आपके फ्रेंड आपका हेल्प कर सकता है ये जॉब हासिल करने के लिए भी या आपको कोई फैमिली फ्रेंड वो भी हेल्प कर सकता है आपको इस जॉब को लेने में या आपको आम, आप उनके घर रह सकते हो ठीक है अगर आपको जॉब चाहिए कुछ लोग मुझे लग रहा है कि आप हॉस्टल में भी शिफ्ट होंगे यहाँ पे नज़र आ रहा है अपनी एजुकेशन के लिए शायद आपको घर से डेफिनेटली बाहर जाना ही पड़ेगा आम, अगर आप कंफर्ट वाले पर्सन हो आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो तो डेफिनेटली फिर कभी भी कुछ इंप्रूव नहीं होगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको एजुकेशन के लिहाज से या जॉब के लिहाज से डेफिनेटली आउट ऑफ सिटी जाना ही पड़ेगा दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू वी हैव अ सॉरो तो किसी चीज़ का गम है आपको किसी चीज़ की टेंशन है आपको डेफ़िनेटली इस वक्त और ये चीज़ शायद रिलीज़ होगी और मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है अगर कोई टेंशन है तो वो रिलीज़ होगी अगर आपने किसी को खोया है स्पेशली अपने लव्ड वन को रिसेंटली इन दिस एट टू नाइन मंथ्स या इसी एक साल के अंदर या चार साल नेक्स्ट पिछले uh, एक से चार साल में या तीन साल में आपने अगर किसी को खोया है तो वो इंसान वापस आएगा मतलब लवर की मैं बात कर रही हूँ पार्टनर पार्टनर्स की आपका इनके साथ रिलेशनशिप uh, तीन से चार साल हो चुके होंगे लग मतलब आप इस रिलेशनशिप में हो या आपने तीन साल से या दो साल से या एक साल से इस इंसान से बात नहीं की है तो ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा मैं उसकी बात कर रही हूँ और अगर आपने किसी को खोया है जैसे मैं आपकी लव्ड वंस की बात कर रही करी हूं, फैमिली का कोई मैंबर है या कोई लॉस्ट किया है आपने कोई एक्सीडेंट हुआ है किसी की डेथ हुई है तो आपको अभी तक उनका गम है ठीक है वो भी मुझे यहाँ पे इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है आपकी टेंशन आपको है ठीक है या मुझे लग रहा है कि वी हैव अंडरस्टैंडिंग तो आप डेफिनेटली अपने आप को इस चीज़ से रिलीज़ करोगे कोई टेंशन है जो आपको रिलीज़ आपने रिलीज़ करोगे जो चीज़ आपकी रिलीज़ हो रही है टेंशन आपकी ख़त्म होने वाली है वी हैव अ कम्प्रोमाइज़ सो आपको शायद लाइफ में कंप्रोमाइज़ करना पड़े किसी एरिया में ठीक है या जैसे मैंने बोला आपको आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर आपको आउट ऑफ सिटी जाना है या आउट ऑफ़ स्टेट जाना है जॉब के लिहाज से या एजुकेशन के लिहाज से आपको डेफिनेटली कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा लेकिन कुछ लोगों को कंप्रोमाइज़ यूँ करना पड़ेगा कि आप शायद आपकी विश है कि आप आउट ऑफ सिटी जाओ अपने घर से दूर जाओ जॉब करो या कोई कोई एजुकेशन लेकिन आप नहीं जा सकते हो स्पेशली फॉर योर मदर और या कोई घर की सिचुएशन ऐसी है इस वक्त फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है या घर की ऐसी सिचुएशन है कि आप नहीं जा सकते तो आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा फॉर योर फैमिली ठीक है ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र होती होती हुई नज़र आ रही है तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई जॉब की ऑफर भी है और एजुकेशन भी कोई इंटरव्यू देने भी आप जाओगे ठीक है तो वहाँ पर आपकी सिलेक्शन होगी आपने गिवअप नहीं करना है और कुछ लोग अपने घर से आप कुछ ऐसा एक्टिविटी स्टार्ट करोगे जो आपके लिए बहुत बेनिफिट्स होगी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग वाला कार्ड है तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें अब आपको समझ आएंगी आपको अंडरस्टैंड करना है आपने स्ट्रेंथ पकड़नी है आपने आपको अपने आप को गिव अप नहीं करना है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो डेफिनेटली आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं हमारी तो उन चीज़ों को कंप्रोमाइज करना ही बेहतर है वक्त के साथ ये बहुत जरूरी है नाव लेट सी आपकी किसी के साथ कंप्रोजन भी कम्प्रोमाइज सिचुएशन भी हो सकती है मतलब कि फैमिली में जो जैसे मैंने पहले बोला कोई झगड़ा हो सकता है या पार्टनर के साथ तो आप उनके साथ कंप्रोमाइज़ करोगे अंडरस्टैंड करोगे उनकी सिचुएशन को या आपका फ्रेंड भी हो सकता है जिसके साथ आपने आपकी लड़ाई हुई थी या आपका फैमिली मेम्बर आपके फ़्रेंड आपका कुलीग भी हो सकता है कोई भी इंसान हो सकता है जिसके साथ आप एक दूसरे के साथ जब आप ये बैठोगे या बात करोगे तो आप कंप्रोमाइज़ करोगे आप उनको फुरगीव कर दोगे आप उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करोगे या आपको करना चाहिए वी हैव अ पीस या अगर आपको लाइफ में पीस चाहिए तो डेफिनेटली आपको लाइफ में पीस के लिए तो आपको डेफिनेटली कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ता है बहुत सारी चीजें लाइफ में पीस करने के लिए घर में झगड़ा ना हो पार्टनर के साथ झगड़ा ना हो रिलेशनशिप में झगड़ा ना हो ठीक है ये चीज़ें पीस अब आपकी तरफ लाएंगी और जिसके साथ आपका झगड़ा था अगर लवर है या पार्टनर है वो ख़त्म होगा फाइनली अब आप एक दूसरे से बात करोगे एक दूसरे को समझोगे एक दूसरे से बात करके आप फाइनली अब आपकी लाइफ में ये पीस आएगा वी हैव अ जस्टिस या आप में से काफ़ी सारे लोगों को जस्टिस मिलेगा अगर किसी ने आपको हर्ट किया है तो आपसे माफ़ी मांगेगा या yeah. जिसने आपको हर्ट किया है तो आपसे माफ़ी मांगेगा और आपके साथ पीसफुल रेजोल्यूशन आपके साथ वह चाहेगा मुझे लग रहा है कि फैमिली या फ्रेंड्स हो सकता है कोई आपका जिसने आपको हर्ट किया था ये लवर भी हो सकता है जिसने आपको हर्ट किया था तो वो आपसे माफ़ी मांगेंगे और ये आपको जस्टिस मिलेगा वी हैव अ फैमिली तो आप में से काफ़ी सारे लोग आ, जैसे मैंने कहा फैमिली से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं ठीक है तो अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आप अपनी फैमिली खुद की फैमिली स्टार्ट करने वाले हो ठीक है और अगर आपकी कोई ऑलरेडी फैमिली है मतलब आप मैरिड थे और आप सेपरेटेड थे अपने पार्टनर के साथ ठीक है घर के इश्यूज़ की वजह से या कोई घर का कोई घरेलू झगड़ा था आप दोनों मियाँ बीवी में हस्बैंड वाइफ में तो वो भी मुझे यहाँ पे पीस होता हुआ नजर आ रहा है और जो लोग डाइवोर्स करना चाह रहे थे आप लोग सेपरेट होना चाह रहे थे उनकी भी मुझे यहाँ पे कंप्रोमाइज़ होता हुआ नजर आ रहा है अगर आप चाह रहे थे कि आप डाइवोर्स लो आप शादी को तोड़ दो आप ख़त्म कर दो शादी को या अगर कोई आपका कोई अल्लाह ना करे कि इस तरह का को कोई मसला चल रहा था सेपरेशन चल रही थी पार्टनर के साथ तो आप कंप्रोमाइज़ करोगे पार्टनर के साथ मुझे लग रहा है यहाँ पे या चाहे आप लड़की हो या लड़का अगर आप मैरिड हो और आप सेपरेटेड थे फैमिलीज़ के झगड़े थे या कोई और इशू था तो आपको डेफिनेटली आप उस रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं करोगे आप दोबारा यूनियन करोगे आप कंप्रोमाइज़ करोगे उस रिलेशनशिप पर या आपको करना चाहिए जस्टिस का मतलब आपकी फैमिली को कोई भी जस्टिस मिल सकता है कोई इंसाफ मिल सकता है अगर आपकी फैमिली कुछ स्ट्रगल कर रही थी किसी तरह का कोई केस है तो वो आप विन करोगे लिखे जस्टिस का मतलब ये आपका कार्मिक पार्टनर भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में वापस आएगा जिसने आपको हर्ट किया था ऑब्वियसली वो कार्मिक पार्टनर्स ही होते हैं जिनके साथ हम लेसन सीखते हैं जिनके साथ हम बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन से गुजरते हैं कार्मिक पार्टनर कोई भी हो सकता है आपका लवर आपका एक्स आपका बॉयफ्रेंड आपका आपका शादी वाला पार्टनर हस्बैंड या वाइफ आपकी फैमिली आपके सिबलिंग कोई भी हो सकता है कार्मिक पार्टनर लेकिन उस इंसान के साथ आपका कुछ ना कुछ दर्द का रिश्ता होता है या उस इंसान ने आपको कोई ना कोई तकलीफ दी होती है वी हैव अ बाउंड्रीज या आपने इस इंसान के साथ बाउंड्रीज बनाई ठीक है आपने उनसे बात करना बंद कर दिया या इस इंसान ने आपके साथ तो फैमिली फाइनली स्पिरिट गाइड इस इंसान को आपकी लाइफ में वापस लाएगा या एन वी आर द कॉन्फिडेंस तो आप में से काफ़ी सारे लोग आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आपके अंदर आएगा ये जो भी आप जॉब करोगे या एक्टिविटी करोगे या हो सकता है आप में से काफी सारे लोगों को ये बोला जा रहा है कि अब अपने लाइफ के डिसीजन आप खुद लो किसी और पर रिला मत करो वी हैव अ वर्थ वेटिंग फॉर अगर आपको पार्टनर की ज़रूरत है या आप जिसका वेट कर रहे हो वर्थ वेटिंग फॉर डेफिनेटली इंसान आपकी तरफ आएगा कंप्रोमाइज़ करेगा माफ़ी भी मांगेगा या फ्री योर सेल्फ डेफिनेटली ये चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं आपके इस वक्त इस चीज़ को मत सोचिए या अगर आप सिंगल हो तो ये सोच रहे हो मेरा पार्टनर कब आएगा आ जाएगा जब टाइम होगा अभी आपको डेफिनेटली गाइड किया जा रहा है स्पिरिट गाइड्स की तरफ से कि आप अपना फोकस कहीं और करो या अपने वर्क पे या अपने फ्यूचर पे या अपनी स्टडी पे स्टे अपने मिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ अगर आप हर्ट हो और आपको लगता है कि लाइफ में कभी कोई लव नहीं आएगा तो ये उन लोगों के लिए भी है जब आप नेगेटिव एनर्जी में रहोगे और इस सौरों में रहोगे या इस पेन में रहोगे तो आप डेफिनेटली उस लव को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे जो आपको चाहिए वी अवर रिकनसिलियेशन या डेफिनेटली किसी के साथ आपकी रिकन्सिलेशिएशन होने वाली है कोई फ्रेंड्स या फैमिली का मेम्बर हेल्प करेगा आपकी या उनकी या उनको स्पिरिट गाइड्स हेल्प हैं आपकी तरफ मोटिवेट कर रहे हैं कि जाओ इस इंसान से बात करो आप बहुत हो गया वो वो डेफिनेटली आपसे माफ़ी मांगेंगे और अपनी अपनी एग्री करेंगे अपनी गलती को लेकर ठीक है तो ये आपकी रीडिंग है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में बाय